बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, हो दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू, तो बस अभी चारा काट के फारग हुए हैं, तो टूवल चल रहा था सामने, तो उस पर जा रहे हैं मुँह हाथ धोने के लिए, क्यों अभी रेडी नहीं आई है, तो इतनी देर में रेडी आ जाएगी, तो फिर पट्ठे उस पर रख के लेके जाएंगे। तो बस इधर मुँह हाथ धो के फिर वापस चलते हैं। ये टूवल चल रहा है, ये हमारा दोस्त भी आ चुका है, परसों आया ये, बस मिलने के लिए, ईद गुजारने के लिए इधर आया हमारे पास। सुबह तकरीबन हम 11 बजे मुल्तान गए थे। ये बस छोटी सी वीडियो थी, क्यों अब्बा जी साथ थे, तो साथ एक आदमी और भी था जो ड्राइवर था, इसलिए बोलना कुछ मुनासिब नहीं समझा मैंने। तो अभी तकरीबन 4 बजे वापस आए हैं, तो काफ़ी फिरने की वजह से थोड़ी सी अब रोज़ा महसूस हो रहा है, तो बोलने से भी आपको पता चल रहा होगा बोलने में हिम्मत कुछ कम हो रही है। जब आए थे उस वक्त इतना नहीं था, बस अब जब घर आके थोड़ा सा आराम किया उसके बाद कुछ महसूस होना शुरू हुआ। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं दिखाने लगा हूँ, जो मैं आज गाड़ी पे थे रास्ते में मुझे नज़र आई तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वो ली है, तो आप दोस्तों को भी दिखाते हैं क्या चीज़ लेके आए हूँ आज। ये मुझे रास्ते में नज़र आया, गाड़ी में थे तो मुझे काफ़ी खूबसूरत मिट्टी का ये कूलर है, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये लिया है। और घर में आके उस वक़्त से इसको भिगो के रखा है, तो अभी इसमें मैंने पानी डाल लिया, तो काफ़ी मज़े का पानी होता है इसका, ठंडा भी। ये तो रात को भर के रखते हैं, फिर सुबह को ये काफ़ी ठंडा होता है। ये प्याला लिया, इनको पानी में भिगो के रखा है, क्यों ये जब पकते हैं उसके बाद ये पानी काफ़ी जज़ब करते हैं, पानी के साथ ये पक्के होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको पानी में भिगो के रखा है। और एक चीज़ और है वो भी दिखाता हूँ अभी आप दोस्तों को। और एक ये हांडी ली है मैंने खाना पकाने के लिए, क्यों जो लोहे का बर्तन होता है उसमें खाना पकता नहीं है, गलता है, तो हमें खाना जो है वो पका हुआ खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये, काफ़ी देर से मेरा ये मूड था कि मैंने अपने जो बर्तन हैं पकने के और जो खाने पीने के हैं वो मिट्टी के इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए आज मेरा मुल्तान में चक्कर लगा और रास्ते में मुझे ये नज़र आया, तो काफ़ी मुनासिब कीमत में मुझे अच्छी चीज़ मिली है। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, तो बस अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है, नमाज़ पढ़ते हैं, और बाकी हम फल वगैरह लेके आए हैं, फल काफ़ी था वो जितना भी नज़र आया लेके आए हैं। सबसे जो मेन फल है वो भी आप दोस्तों को, जिसका मेरे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, वो है ये पाइनएप्पल। ये काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि ये चेक कर लें इसका जायका, कभी खाया नहीं है लाइफ में, पहली बार ये लेके आए हैं। तो वैसे इसका जो मुरब्बा वगैरह मिलता है वो हमने खाया हुआ है, लेकिन ऐसे जो चीज़ है वो अभी तक हमने ट्राई नहीं की है, तो इसलिए ये भी नज़र आया था।
ये भी हमने लिया। बाकी सेब वगैरह थे, आड़ू हैं, आलू बुखारा है, कुरबानी वगैरह वो लेके आए।